वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीप्ति और आपका स्वागत है होम श्रृंगार चैनल में। तो फ्रेंड्स, बारिश का सीज़न आ चुका है। अगर आप घर में प्लांट्स लगाने का शौक़ रखते हैं तो ये सीज़न बहुत ही अच्छा है प्लांट्स लगाने के लिए। इस समय अगर आप कुछ प्लांट्स लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी लग जाते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आज की वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने घर में सबसे ज़्यादा जो प्लांट लगाया है वो है स्नेक प्लांट। इसे सेंसीवेरिया भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, कोई इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन भी देता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट्स लगाना तो आप सेंसीवेरिया से कर सकते हैं। इसमें कई टाइप की वेराइटी आती है। अगर आपको प्लांट लगाने का शौक़ है तो सबसे पहले आप सेंसीवेरिया से ही ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, विंटर्स जाने के बाद इसमें जो बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इसकी रूट्स में से ही नए प्लांट्स आने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लांट में से ये कुछ अलग कर लिए हैं। अब इसको मैं दूसरे प्लांट में लगाने वाली हूँ। देखिए, ये इस टाइप से आपस में जुड़े रहते हैं, एक कॉर्ड टाइप की रहती है, आपको इससे अलग कर लेना है। और एक लीफ से ही आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए, एक सिरेमिक का प्लांटर है मेरे पास। एक तो मैं इसमें लगाऊंगी और एक मैं सोच रही हूँ कि सीमेंट वाले में लगाऊं। सीमेंट वाले बहुत अच्छे रहते हैं, आप मिट्टी वाला भी ट्राई कर सकते हैं, पर सिरेमिक वाले जो होते हैं उसमें प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं करते हैं। अगर आप सिरेमिक में लगाना चाहते हैं तो अंदर आप मिट्टी का पॉट रख सकते हैं, पर मेरे पास इतना छोटा नहीं था तो एक मैं सिरेमिक में लगाऊंगी, एक सीमेंट में। यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट ले रखी है मार्केट से, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले एक टीकरी मैं इसमें लगा दूंगी और उसके बाद आप मिट्टी डाल दीजिए। इसमें कंपोस्ट डाला है मैंने और नॉर्मल गार्डन सॉइल है। थोड़ा सा आप चाहें तो सेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कोकोपीट वगैरह इसमें बिल्कुल भी यूज़ ना करिए, आपकी सारी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। देखिए, ये मैंने सीमेंट वाले में लगाया था और कुछ ही दिन बाद इसमें एक बेबी प्लांट भी आ गया है। बहुत जल्दी इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखिए, छोटा सा बेबी प्लांट है, इसको मैं आपको 1 मंथ बाद का भी रिजल्ट अभी दिखाने वाली हूँ। मैंने पहले ही वीडियो बना लिया था और देखिए, 1.5 महीने बाद ही जो बेबी प्लांट था वो इतना बड़ा हो गया है। और देखिए, इसमें एक और बेबी प्लांट निकला है, देखिए इस साइड में, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर आपके पास एक लीफ भी है तो उससे आप मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। अब मैं आपको सेरेमिक वाला भी दिखाऊंगी, उसका क्या कंडीशन है। देखिए, उसको मैंने इसमें लगाया था, पर इसकी लीफ देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी श्रिंक टाइप की लग रही है और इसकी जो नीचे रूट है वो भी काफ़ी लूज सी है। चलिए, इसको टाइट कर देते हैं। अब इसका भी मैं आपको 1 मंथ बाद का रिव्यू यहाँ पर दिखाती हूँ। मैंने वीडियो साथ साथ ही शूट कर लिया था आपको दिखाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको 1 महीना करीब हो चुका है। अब आपको मैं इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ, सेरेमिक वाले की क्या कंडीशन है। देखिए, इसकी लीफ बिल्कुल ही अंदर की तरफ ट्विस्ट हो गई हैं और इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि आपने जो देखा सीमेंट वाला है उसमें मेरे 3 प्लांट तैयार हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, पर देखिए अंदर की तरफ अब इसमें भी कुछ लीफ आनी स्टार्ट हो गई हैं, मौसम भी ठीक हो गया है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा प्लांट मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, सेंसीवेरिया है। इससे आप ट्राई कीजिए, इसको किसी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। पर आप सीमेंट वाला पॉट लीजिए, सेरेमिक का नहीं। और देखिए, मेरे पास जो कंपोस्ट बची है थोड़ी थोड़ी सी, अब बरसात का सीज़न है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और टिप्स आपको मैं दे देती हूँ। बारिश का सीज़न है तो इस समय आप अपने जो प्लांट्स हैं उनमें आप कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा कंपोस्ट जो मेरे प्लांट हैं जितनी भी, सब में थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और बस इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजिए और आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। जो इसकी कंपोस्ट है वो सारे न्यूट्रिशन मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैं आपको एक और टिप बता रही हूँ मनी प्लांट को ग्रो करने का। जैसे देखिए, मेरा ये जो मनी प्लांट है ये दूसरे प्लांट से बढ़ कर इधर आया है, तो जो इसकी ये जो ब्रांच है इसको मैंने दूसरे प्लांट में सेट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने एक स्टोन रख दिया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं वो इसी प्लांट में आ जाएंगी और आपका एक न्यू प्लांट रेडी हो जाएगा। देखिए, स्पाइडर प्लांट है, इसमें भी बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। देखिए, ये आ रखे हैं। इससे अगर आपको मल्टीपल प्लांट्स बनाने हैं तो बस सिंपल सा आप जो इसकी बेबी प्लांट्स हैं इन्हें बराबर में किसी पॉट में रख दीजिए और धीरे धीरे ये इसकी रूट्स अपने में मिट्टी में जमा लेते हैं। देखिए, मैंने बराबर वाले प्लांट में इसको रख दिया था, इसकी रूट इसने बेबी प्लांट ने पकड़ ली है। जब ये अच्छे से रूट पकड़ ले तब आप इसकी कॉर्ड जो है वो काट सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक लगाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ किस तरह से आपको बेबी प्लांट लगाना है। हल्के से आप इसे किसी पिन से या स्टोन वगैरह से दबा दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी रख दीजिए और हल्का सा आप इसमें पानी लगा दीजिए।
बस थोड़े दिन में आप देखेंगे कि रूट्स ही अपने आप जमा लेगा और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको कॉर्ड से काट के लगाते हैं तो इसके चांसेस कम होते हैं। आप कॉर्ड से अटैच रहने दीजिए और नया प्लांट बना लीजिए। और देखिए, ये एक और मनी प्लांट मेरे दूसरे प्लांट से इसमें आ रहा था, तो मैंने भी इस प्लांट में इसको ग्रो कर लिया है। इसकी जड़ें इसमें आ गई हैं। अब मैं इसकी दूसरे प्लांट से कॉर्ड कट कर दूंगी तो मेरा एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो आपकी लीव्स हैं उन पर आप पानी का स्प्रे करते रहिए, इससे भी प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक यूज़फुल टिप देने वाली हूँ। अगर आप कई दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है आपके प्लांट सूख जाएंगे, तो आप अपनी बॉटल को ऊपर से काट दीजिए और जो इसका बॉटल कैप वाला साइड है उसको मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर दीजिए और अब पानी भर के चले जाइए। फ्रेंड्स, इस तरह से करने से हमारा जो प्लांट है उसको धीरे धीरे पानी मिलता रहता है और वो कई दिन तक बिल्कुल भी सूखता नहीं है। जब तक आप लौट के आएंगे, आपका जो प्लांट्स की मिट्टी है वो एकदम गीली बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये टिप काफ़ी यूज़फुल है। मैंने कई सारी बॉटल्स को इसी तरह से कट करके रखा हुआ है। ये बॉटल मेरे बच्चे के साइंस प्रोजेक्ट की वाटर फिल्टर की थी, तो मैंने इसको भी यहाँ पर यूज़ कर लिया है। आप सोच रहे होंगे इसमें वाटर फिल्टर क्या लिखा हुआ है, तो ये साइंस प्रोजेक्ट की बॉटल है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको यूज़ किया है। यहाँ पर जितनी भी आपके पास प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उनको आप इस तरह से कट कर लीजिए। जितने भी आपके जो पॉट्स वगैरह हैं सब में इस तरह से लगा दीजिए और आप बिल्कुल टेंशन फ्री अपनी वेकेशंस पे जा सकते हैं। इसमें पानी बना रहेगा। थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाएंगे तो पानी एकदम से बाहर नहीं जाता है, धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे जाता रहता है। तो बहुत ही अच्छा टिप है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए हैं वो आपको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर घर से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स यहाँ पर शेयर करती हूँ और आपके संग कुछ शॉपिंग ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ।